हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट टू पी सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड एंड वी आर ऑन चैप्टर टेन एंड हम आज के सेशन से आपसे स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धना का पीरियड 606 जीरो सिक्स टू सिक्स फोर्टी सो इस पूरे चैप्टर में है अबाउट हर्षवर्धना पहले हम समझेंगे उनकी अर्ली लाइफ उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बुद्धिज़म एंड हर्षा uh, बहुत ही फेमस कन्नौज असेंबली अलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और इकनॉमी कैसी थी हर्षवर्धन के अंदर कल्चरल uh, प्रोग्रेस क्या क्या हुई एंड वेरी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी सो ऑल ऑफ दीज थिक्स थिंग्स आर द कॉन्टेंट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ दिस चैप्टर सो बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा एंड उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन दो चीज़ों से स्टार्ट करते हैं सो so, देखिए पहले व्हेन वी टॉक अबाउट हर्षवर्धना तो इनका पीरियड ऑफ ऑलरेडी जानते हो ये कैसे आए देखिए पहले अब तक हमने क्या पढ़ा था इसके पिछले वाले चैप्टर्स तक हमने पढ़ा था गुप्ता एम्पायर है ना तो गुप्ता एम्पायर के बाद हम पढ़ते हैं हर्षवर्धना सो so, जब डिक्लाइन हुआ था गुप्ता एम्पायर का तो यहाँ पे ना पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो गया था डिसयूनिटी थी नॉर्थ इंडिया में छोटे 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 किंगडम्स अपने आप में चल रहे थे सेवेंथ सेंचुरी एडी जब स्टार्ट हुआ और जब हर्षवर्धना ने सक्सीड किया लार्ज किंगडम बनाया नॉर्थ इंडिया में तभी आप बोल सकते हो कि इसी वक्त पे आपका जो है एक यूनिटी वापस आई द चीफ सोर्स फॉर ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षा एंड हिस्स टाइम इज चरिता बहुत ही फेमस राइटिंग हर्षचरित वेरी 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 फेमस रिटन बाय बाना ओके okay? सो so, ये है हमें ये पूरा अकाउंट्स बताता है हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में ये जो थी बाना ने लिखी थी और दूसरे अगर सोर्सेज की बात करोगे अगर आपको दूसरे सोर्सेस जानने हैं तो एक और है दैट इज़ हिन्सांग ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि इस वक्त हर्षवर्धन के टाइम पर ट्रैवल किए थे तो इन्होंने भी अपने ट्रैवल अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं अबाउट द हर्षवर्धन वैन वी टॉक अबाउट बाना ही वॉज़ अ पोएट इन हिज कोर्ट यानी कि हर्षवर्धन के कोर्ट में ही पोएट थे और उनकी हिस्ट्री लिखा करते थे उनके बारे में लिखा करते थे एंड वैन वी टॉक अबाउट सांग ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर जो कि इंडिया में विजिट किया था अराउंड सेवन सेंचुरी एजी ओके okay? ये दो सोर्सेज हो गए मेजर सोर्सेज हैं उसके अलावा बहुत से ड्रामाज हैं जो कि हर्ष ने लिखे जैसे कि रत्नावली ना नागनंदा प्रियदर्शिका ओके okay? तो ये भी बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट दैट टाइम तो ये जो हर्षा के रिटर्न चीज़ें हैं इनको आपको हाईलाइट करनी है रत्नावली नागनंदा प्रिय दर्शिका फिर उसके बाद मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनपत इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छे यूज़फुल इंस्क्रिप्शन हैं ये हमें क्या बताते हैं ये हमें बताते हैं क्रोनोलॉजी इसके अलावा बान खेरा बांस खेरा इंस्क्रिप्शन्स आप दैट कंटेन्स अ सिग्नेचर ऑफ हर्षा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत से जो है हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स देते हैं अबाउट दैट टाइम टॉकिंग अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा द फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्षा वॉज पुष्यभूति तो ही वॉज द फाउंडर एक्चुअली ही वॉज फ्यू डेटरीज ऑफ द गुप्ताज एंड अपने आप को ये, बोलते so, ये वर्धन, so, वर्धन बोलते थे तो इसी वजह से आपको ये हर्षवर्धन आया ठीक है तो अपने आप को वर्धन बोलते थे उनका इन्वेशन हुआ फिर इनको इंडिपेंडेंस मिल गई इनका पहला इम्पोर्टेंट किंग बन गया जो कि uh, जिसका नाम था प्रभा करा वर्धना तो प्रभाकर वर्धन जो थे वो पहले इम्पॉर्टेंट किंग थे आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के ठीक है तो पुष्यभूतिज जो बन गए उनकी डायनेस्टी बन गई प्रभाकर वर्धन पहले इम्पोर्टेंट किंग बन गए अब कैपिटल याद रखो ठीक है कैपिटल था थानेश्वर जो आपका नॉर्थ दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास कैपिटल फिर उसके बाद इन्होंने भी रखे टाइटल जिस जो अपने आप को बोलते थे महाराजा धीराजा एंड परम भत्तरका आफ्टर प्रभाकर वर्धनास डेथ इनकी डेथ के बाद उनके सन जिनका नाम था राज्यवर्धन वो थ्रोन उन्होंने एक्सेप्ट किया फिर उनको थोड़े प्रॉब्लम्स आए राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ असेशन उनकी जो बहन थी राजश्री उन शी गॉट मैरिड टू मौखारी रूलर जिस जिनका नाम था गृहवर्मन तो में गृहवर्मन इनके बहन के हस्बैंड हो गए तो अब क्या हुआ इनको एक्चुअली गृहवर्धन को मार दिया किसने मालवा के रूलर ने ठीक है और मालवा के रूलर ने रूलर ऑफ बंगाल के साथ मिलकर इनको मार दिया इमीजिएटली ऑन हेयरिंग दिस न्यूज़ राज्यवर्धन मार्च अगेंस्ट द किंग ऑफ मालवा और अपनी आर्मी उस तरफ वो लेके चले गए बट बिफोर ही कुड रिटर्न टू द कैपिटल ही वॉज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय सन्स का इन द मीन टाइम राजश्री वो फॉरेस्ट में एस्केप कर गई हर्षा नाउ सक्सीज इट हिज ब्रदर एट थानेश्वर फिर आए अपने हर्षा तो हर्षा का इस तरह से आना हुआ इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या कि जो उनकी बहन है उसको रेस्क्यू करूँ एंड टू एवेंच द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ तो इसके जो एक तो रिवेंज लेना ही था इनको कि उनके भाई की और ब्रदर इन लॉ की जो डेथ हो गई वो एंड द अदर वन इज जो आपकी बहन है उसको बचाना ही फर्स्ट रेस्क्यूड हिज सिस्टर ठीक है एंड एंड शी वॉज अबाउट टीमुलेट हॉर सेल्फ दैन टाइम एंड देन ही वेंट टू द कॉन्क्वेस्ट इसी को बोलते हैं हर्षा का पहला मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट सो इनका जो पहला मिलिट्री एक्सपेडेशन था दैट ड्रोव आउट ऑफ सांसका फ्रॉम कन्नौज फिर कन्नौज को उन्होंने क्या किया कैपिटल बनाया दिस मेड हिम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द नॉर्थ इंडिया फिर उन्होंने हुन ध्रुव सेना टू जो कि वल्लभी के किंग थे उनको भी डिफीट किया ध्रुवसेना टू उनके वैसल बन गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन ऑफ हर्षाह वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्य रूलर जिनको बोलते हैं पुलाके ठीक है ये पुलाके टू पुलाके सिू जो कि वेस्टर्न चालुक्य रूलर थे इनके खिलाफ का जो बहुत ही बड़ा मिलिट्री कैंपेन था बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन था ये कहाँ पे मिले आपको बोथ द काउंस ऑफ होनसांग एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाके सिंह टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दिस कैंपेन फिर अब हर्षा को लगा कि भाई नर्मदा के हमें जो है साउथ में भी जाना चाहिए तो फिर चालुक्य रूलर के अगेंस्ट मैच किया बट आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाकेसिन टू देर यू विल सी द डिफ़ीट ऑफ हर्षा बाय पुलासिन ओके तो यहाँ पे आपको डिफ़ीट का जो है इंफॉर्मेशन मिलती है हु आफ्टर दिस अचीवमेंट डूम द टाइटल ऑफ परमेश्वरा और फिर उसके बाद सांग के Uh, जो uh, चीज़ें हैं उस, उसके जो अकाउंट्स हैं उसमें भी आपको मिलेगा कि देर वॉज अर वॉज अ विक्ट्री ऑफ पुलाके सिंह फिर हर्ष नहीं माने एक और कैंपेन uh, रख लिया उन्होंने अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध ओके एंड सिंध जो था उस वक्त पे एक इंडिपेंडेंट किंगडम था बट इट इज़ डाउटफुल वेदर द सिंध कैम्पेन वो सक्सेसफुल वर ऑर नॉट क्योंकि अभी भी इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है नेपाल ने हर्ष का लॉर्ड ओवर लोडशिप जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था फिर हर्षवर्धन नॉर्थ को भी कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने इट्स रूलर कंट्रीब्यूट्स टू हिम एज वेल उन्होंने जो कॉर्डर रिलेशंस रखे थे आपके जो रूलर हैं आसाम के आसाम के रूलर्स के साथ भी कॉर्डर रिलेशंस थे ऐसा नहीं था कि उनको उन्हें एनेक्स करना था लास्ट मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो इट वॉज़ अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंगा उड़ीसा में है ना सो so, वो भी सक्सेस इन्होंने पा लिया था तो आप समझ सकते हैं नॉर्थ टिल आपका साउथ ईस्ट का जो थोड़ा पार्ट पार्शन है उड़ीसा वाला पार्ट पोर्शन है वहाँ तक इन्होंने कैंपेन अपना कर लिया था इसी वजह से आप समझ सकते हो कि हर्षा ने ओवरऑल नॉर्थ इंडिया पे तो अपना राज रख लिया था यानी कि आज का जो राजस्थान है पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे हर्षा के बट इन द स् इन्फ्लुएंस वॉज मच मोर एक्सटेंसिव तो ऐसा नहीं था कि देखो ये क्या थे ये सब ऐसे रीजन्स थे जो कि इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे ठीक है बट देर व सम रीजन्स जैसे ने बताया कि जो कि ट्रिब्यूट्स भेजते थे या फिर उनसे अच्छे रिलेशंस रखते थे तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी दूर दूर तक भी था इन द पेरिफेरियल स्टेट एज कश्मीर सिंध वला भी कमार रूपा ओके तो इन सब ने भी इनकी सोबैंटी एक्सेप्ट कर ली थी नाउ दिस इज इट अबाउट द इंटायर अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा कैसे उन्होंने जो है थ्रोन एक्सेप्ट किया एंड हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट I hope you understood all of this point. In the next session, we will discuss the Harsha and Buddhism, Kannauj Assembly, Allahabad Conference.

पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए से बुक पढ़ने से और वीडियोज देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी स्किलफेट एप है आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच